सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सर, आज जो नगर पालिका द्वारा कार्यवाही की गई है उसमें कुछ लोगों के कब्जे बरकरार रहे और कुछ लोगों के कब्जे हटाए गए, ये कैसा मामला है? इनके द्वारा जो है मकान बनाया जा रहा था उस पर पल्ली खड़ी की गई थी, क्योंकि वहाँ नाला कम से कम 10 फीट का लगभग रहा था तो उस पर एक पल्ली खड़ी किए थे। तो कहें साहब अस्थायी रूप से हम बनाए हैं और इसको जो है हम हटा लेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे इनका छत ढल गया उसके बाद इन्होंने पूरा स्लेब ढाल दिया। ढालने की स्थिति ये हो गई कि उस नाले के अंदर सफाई नहीं की जा सकती थी। इनको जो है मौखिक रूप से कहा भी गया था, इन्होंने प्रामिस भी किया था कि साहब हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इन्होंने पूरा स्लेब बना दिया गया। इनको बार बार आग्रह करने के बावजूद नहीं हटा, तो नगर पालिका द्वारा जो है आज उसको हटवा दिया गया। सर, जिसको हटवाया गया उसके जस्ट बगल में उसी पैटर्न पे भी कब्जा है, तो उसको क्यों नहीं हटवाया? नहीं, वहाँ देखिए नाले की चौड़ाई जो है 2 फीट है, 2 फीट पर वो ढाला गया है तो उसे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कई जगह अतिक्रमण किए गए हैं और उसे अभियान चला करके नगर पालिका के द्वारा जो है हटवा जाएगा। और वही पुरानी मऊ में न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी एक निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया, क्या है वो? नहीं, वो देखिए नगर पालिका की भूमि है, नगर पंचायत की, नगर पालिका की भू संपत्ति है और वो जो है यहाँ हमारे जो है टैक्सेशन रजिस्टर में जो है वो दर्ज भी है खंडहर करके, और उसकी उनकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री भी हमें नहीं दिखाए। एक चीज़ दूसरी चीज़ है, बिना बगैर भवन मानचित्र स्वीकृत कराए वो निर्माण कार्य कर रहे थे। माननीय न्यायालय का आदेश जरूर है लेकिन वो कहाँ है ये स्पष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? मुकेश श्रीवास नाम है। मुकेश जी, ये बताइए अभी जो यहाँ अतिक्रमण हटाया गया, क्या कार्रवाई की गई नगर पालिका द्वारा? नगर पालिका द्वारा ये कार्रवाई की गई कि जो वो ले है नगर पालिका मेरी जमीन है, तो हमारा कोर्ट का आदेश था, हमने वीर सिंह भदौरिया से ली थी 2013 में। नगर पालिका बोल रही कि इसमें कूड़ा घर चढ़ा है, कूड़ा घर इसमें जब चढ़ा 2010 में, उसके पहले मेरा यहाँ पैतृक मकान था कम से कम 30-35 साल पहले, जिसमें हमारा बना भी था मकान और वो कच्ची दीवार थी तो हम पक्की दीवार बनवा रहे थे इनमें। अगर नगर पालिका की ज़मीन थी तो वो कोर्ट में हमारे आदेश को खारिज करवाती, उसके बाद हमारा तोड़ते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक राजनीति के तहत साजिश, हमारे मोहल्ले के पार्षद चिंतामन श्रीवास जो हमसे एक जाति वो रखते हैं, और अभी कुछ दिन पहले हमने मुख्यमंत्री जी, DIG, कमिश्नर साहब और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, DIG, SDM और थाना अध्यक्ष, मंडलायुक्त, सबको मैंने 9 तारीख को तहरीर भी लिख की, कोर्ट का आदेश भी लगाया था सब में के मेरा, उसके बावजूद भी हमारे चिंतामन पार्षद घर आए और बच्चों से अब शब्द बोले, बुरी बुरी गालियाँ दी, बोले 50,000 तमीची, 50,000 रुपये मांग रहे थे, हमने पैसे नहीं दिए। उन्होंने राजनीति के तहत साजिश, नगर पालिका EO और नगर पालिका अधिकारी नंदू रावत और जो है लेखपाल विक्रम सिंह, वो ब्रजेंद्र खरे, तहसीलदार साहब और अन्य लोग, ये लोग आए, हाँ पुलिस के साथ भी आए थे, पुलिस के साथ भी आए थे, तहसीलदार साहब भी थे। हमने फार्म भरे हैं, हमारा नाम है चुन्नीलाल पुरी। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ पे अभी ये अतिक्रमण का कार्य किया गया है, हटाया गया है जी? क्या नाम है आपका? चिंतामन श्रीवास पार्षद। कौन से वार्ड के पास? वार्ड नंबर 4 पुराने मौके। आपके वार्ड में शिकायत है कि आपके द्वारा और नगर पालिका के द्वारा एक निर्माण हो रहा था, उसको तोड़वाया गया और उसमें उसके पास न्यायालय के आदेश भी हैं, उसके बावजूद भी तोड़वाया, क्या मामला है? वो सब फर्जी है। फर्जी है? बिल्कुल। न्यायालय के आदेश जो है उसके पास, जो भी आदेश है या जो भी है वो सब फर्जी है। फर्जी है जी। अच्छा, और आज जो नगर पालिका ने करा है, एक सरकारी धरोधर जो है वो अवैध कब्जे में हो रही थी, कम से कम वो सरकारी धरोधर बचाई जा चुकी। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन, ये बताइए अभी नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है
क्या आप इस अतिक्रमण से कितना संतुष्ट? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हम लोग तो पूरा मोहल्ला खिलाफ है। अच्छा, हाँ पूरा मोहल्ला खिलाफ है। ऐसा क्यों है कि जी नाजायज काम कर रहा है जी पार्षद? हाँ मुस्तफा। अच्छा, क्या नाजायज काम किया? जी नाजायज यही तो है जो है, जो इसके माफक है वो तो सही है। अब जी माफक वाले देखिए सब सब ऐसे ही है। और हाँ सब, ना किसी के ससर ना तोड़वाड़ो ना कचू कर रहा, इसी के संगे लगू कर रहा। जिनका जो तोड़ा गया है उसके बगल में भी एक नाले पे कब्जा है, वो नहीं हटाया? वो नहीं हटाया। वो क्यों नहीं हटाया? वो जाना है। अच्छा, वो बना है वाला? हाँ वो बना है, देखिए आप, वे बना है। जो मकान बन रहा है जिनका ये, हाँ ये इनका कौन सी योजना के तहत बना? आवास, प्रधानमंत्री हाँ आवास योजना के तहत है जी। मैं पैसा मांगे साथ क्या? अब पैसा तो इनसे मांगे सोचे जाने। अब हमारे सामने हमने अवगत कराया, DM को हमने लिख के दिया, प्रधानमंत्री को लिख के दिया, मुख्यमंत्री को लिख के दिया, ये जाने कहाँ से क्या दबा देता। तब कौन कौन यहाँ आया? कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं था। अधिकारी कौन कौन आए थे? अधिकारी हम तो अभी काम पे से चले आ रहे हैं। अच्छा, बिना आपको सूचना दिया? हाँ, ना मेरे पास कोई सूचना है, ना कोई आदेश है मेरे पास, ना कोई इतला है, ना मुझसे कोई स्वीकृति ले गई है, ना मेरे कोई। सब्सक्राइब कीजिए UP ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएं।